अल्हमदुल्ल बहुत अच्छा रहा वेदर तो बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मियों में भी इतनी सर्दी हमें लग रही है तो वैदर तो बहुत अच्छा है बाकी ओवरऑल अच्छा रहा एक्सपीरियंस फ़िटनेस वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है सब प्लेयर्स में तो एक अच्छी अच्छा साइन है हमारे टीम के लिए कि जितने ज़्यादा फिट होंगे ओबियसली फ़िटनेस से चीज़ों जो हमारी क्रिकेट है उसमें भी बेहतरी होगी देखिए ये बिल्कुल सिर्फ फिटनेस के लिहाज से हो रही है और जब आप नॉर्मल क्रिकेट ट्रेनिंग करते हो तो उसमें आपकी स्किल्स प्रैक्टिस आती है ज़्यादातर और यहाँ ज़्यादातर फ़िटनेस की प्रैक्टिस हुई है तो ये, ये चीज़ फिटनेस को काम देती है और स्किल वर्क डेफिनेटली आपको दोबारा करना पड़ता है कि आपकी स्किल इम्प्रूव होती रहे। फिटनेस है फ़िटनेस के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट था आ, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे प्लेयर्स फ़िट होंगे उतना ज़्यादा टीम को फ़ायदा होगा क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है और वर्ल्ड कप का साल है तो जितने ज़्यादा हमारे बेस्ट प्लेयर्स फिट होंगे वर्ल्ड कप के लिए उतने ज़्यादा और उतना ज़्यादा हमारे पास चांसेस है कि हम वर्ल्ड कप को जीतें तो एक अच्छा अच्छा साइन था कि हम इधर आएँ और फिटनेस की इकट्ठे ट्रेनिंग हो रही है तो एक कट्ठी जगह पे हैं एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे को जानने का ज़्यादा मौका मिलता है तो इससे टीमों को और ज़्यादा फ़ायदा होता है फिटनेस के लिहाज से तो बहुत चीज़ें आ, कवर हो गई हैं अभी स्किल स्किल वर्क क्योंकि हम काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहे थे और बी पी एस आई के फॉरम बाद इधर आए हैं तो फ़िटनेस के लिहाज से तो अच्छा रहा अभी होपफुली स्किल का हमें टाइम उतना मिलेगा कि हम स्किल वर्क करें और दोबारा आज क्योंकि बैक टू बैक सीरीज़ हैं और फिर वर्ल्ड का भी है। रोजे में ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन वेदर की वजह से थोड़ी चीज़ें कवर हो गई लेकिन अगर फास्ट टाइम में आप ट्रेनिंग करते हो तो मुश्किल होता है लेकिन एक फिटनेस के लिहाज से स्टेमने के लिहाज से चीज़ें बेहतर हुई हैं और जिस तरह के अफतारी और शायरी हम सब लोग इकट्ठे कर रहे थे तो हमें पता भी चल रहा था किस किन किन लोगों को ज़्यादा चीज़ें पसंद क्योंकि अफतारी में हम इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं खा सकते थे क्योंकि स्टेट अवे हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती थी तो काफ़ी इन्जॉय किया शायरी और अफतारी का